गणेश संकष्टी चतुर्थी कब है? जानिए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी की सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 7 जनवरी 2023 से माघ माह शुरू हो जाएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इसे सकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। वैसे तो साल में सभी चतुर्थी महत्वपूर्ण है, लेकिन सकट चौथ, बहुला चौथ और वक्रतुंड चतुर्थी का खास महत्व है। आइए जानते हैं साल की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ की सही तारीख, चांद निकलने का मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त इस साल सकट चौथ का जो डेट को लेकर असमंजस की स्थिति है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को सुबह 9:34 से शुरू होकर और अगले दिन 11 जनवरी को दिन के 11:23 पर इसका समापन होगा। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा का खास विधान है। चांद की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 मंगलवार को ही किया जाएगा। आपको बता दें कि गणेश संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि इस प्रकार है। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, फिर चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति बप्पा को अक्षत, धूप, दीप, कपूर, लौंग और दुर्वा अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाने के बाद लड्डू का भोग लगाएं। आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। महिलाएं सकट चौथ का व्रत सुखी जीवन और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत में तिल के लड्डू गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया था। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा और मंत्र जाप करने से संतान की बुद्धि, विवेक और बल में वृद्धि होती है। गौरीपुत्र गजानन साधक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सकट चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।